विथ का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं, एक साथ के लिए और एक से के लिए। लेट्स लर्न विद एग्जाम्पल्स। आई एम गोइंग टू पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहा हूं। साथ। सुनील इज कमिंग विथ मी टू दिल्ली। सुनील मेरे साथ दिल्ली आ रहा है। मे आई टेक योर लीव विथ योर काइंड परमिशन। आपकी इजाजत के साथ क्या मैं जा सकता हूं। ऑलवेज ट्रेवल विथ वैलिड टिकट। हमेशा टिकट के साथ यात्रा कीजिए। टेक द मेडिसिन विथ मिल्क। दवाई दूध के साथ लीजिए। अब हम से का उपयोग करेंगे। ईट विथ स्पून। चम्मच से खाओ। राइट विथ ब्लू पेन। ब्लू पेन से लिखो। ही वॉज किल्ड विथ ए नाइफ। उसे चाकू से मारा गया। ओपन द डोर विथ की। दरवाजा चावी से खोलो। तो विथ हम साथ और विथ हम से के लिए भी उपयोग करते हैं। दूसरा प्रपोजिशन है सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम। तब से और अब तक। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है और अब भी चल ही रही है। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1987। वो 1987 से दिल्ली में रह रहा है और अब भी रह रहा है। आई हैवेंट विजिटेड हिम सिंस हिज लास्ट बर्थडे पार्टी। मैंने उससे पिछले बर्थडे पार्टी से अब तक विजिट नहीं किया है, या यानी कि मैं उससे मिलने नहीं गया हूं और अभी तक नहीं गया हूं। आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट। जब से वो गया है तब से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस सिंस यू लास्ट विजिटेड। तुम जब पिछली बार आए थे उससे अब तक बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। वो आदमी फिर अभी तक नहीं आया है। ही हैज बीन बिजी सिंस ही केम। जब से वो आया है तब से बिजी है और अभी भी बिजी। अगला प्रपोजिशन है बिफोर। अर्लियर देन। पहले। प्लीज मीट मी बिफोर 6 PM। मुझे 6 बजे से पहले मिलना। दे वुड डाई बिफोर सरेंडरिंग। सरेंडर करने से पहले वो मर जाएंगे। दे न्यू ईच अदर बिफोर मैरिज। वो एक दूसरे को शादी के पहले से जानते हैं। थिंक बिफोर स्पीकिंग। बोलने के पहले सोचो। ईट द टैबलेट बिफोर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले टैबलेट खा लेना। बिफोर वी ऑल्सो यूज फॉर इन फ्रंट। सामने। द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिफोर मी। एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ। ही अराइव्ड बिफोर मी। वो मेरे सामने आया। ही वुड नॉट स्पीक बिफोर द पुलिस। वो पुलिस के सामने नहीं बोलेगा। ही कुक द फूड बिफोर अस। उसने खाना हमारे सामने बनाया। The next preposition is after।
लेटर देन बाद में, आई शैल मीट यू आफ्टर मंडे, मैं आपको मंडे के बाद मिलूंगा. ही केम आफ्टर 3 PM, वो 3 बजे के बाद आया. मीट मी आफ्टर लंच, मुझे लंच के बाद मिलना. आफ्टर हम पीछे के लिए भी यूज करते हैं. द पोलिस रैन आफ्टर द थीफ, पोलिस चोर के पीछे भागी. आई एम आफ्टर ए बेटर जॉब, मैं एक अच्छी नौकरी के पीछे हूं, यानी कि मैं अच्छी नौकरी देख रहा हूं. ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज अंकल, उसका नाम उसके अंकल के नाम के पीछे रखा गया. नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अलोंग, ऑन ए कोर्स पैरेलल टू, साथ साथ. दे वेंट अलोंग द ट्रैक और अलोंग द कैनल, वे ट्रैक के साथ साथ गए या नहर के साथ साथ गए. लेट्स हैव ए स्ट्रॉल अलोंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे के साथ साथ हम भी चलते हैं. समवेयर अलोंग द वे आई लॉस्ट माई हेड, चलते चलते कहीं पर मैंने अपना टोपा खो दिया. आई विल गो अलोंग विथ यू, मैं आपके साथ साथ आऊंगा. ब्रिंग अलोंग योर अम्ब्रेला, छतरी अपने साथ साथ लेके आना. शी टुक हर ब्रदर अलोंग, वो अपने भाई को साथ साथ लेके गई. सो फ्रेंड्स, दिस वेर सम ऑफ द प्रपोजिशंस. देर आर मोर प्रपोजिशन टू कम. लर्न द प्रपोजिशंस प्रॉपरली एंड यूज देम प्रॉपरली इन द सेंटेंसेस. फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. And don't forget to like it and comment on it. Wait for every Saturday for my new videos. For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.